क्रिया योग का उद्देश्य और पहचान। क्योंकि हम बाहरी व्याकुलता में हैं, हमारी चेतना अंदर निष्क्रिय रूप से मौजूद है, जिसे अवचेतन अवस्था कहा जाता है। चेतनता को क्रियायोग कहते हैं। संसार में अनेक प्रकार के क्रियायोग हैं, उनमें योग दर्शन का क्रियायोग योगी व लहिरी महाशय का क्रियायोग है। क्रियायोग का कोई भी रूप हो, क्रियायोग का मुख्य उद्देश्य नकारात्मक तरंगों का प्रतिकार करके अपने भीतर शुभ तरंगों का निर्माण करना है। जब क्रिया करते समय हृदय की दुष्ट तरंगें शांत हो जाती हैं, उस शांत चेतना या भावना में रहना क्रिया योग की अवस्था कहलाती है। क्रियायोग को तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि चेतना की जागृत अवस्था और क्रियायोग के माध्यम से शांति की स्थिति स्वाभाविक न हो जाए। तो क्रियायोग का क्या लाभ है? थोड़े से स्वाद का उद्देश्य क्रियायोग नहीं है, क्रिया का अर्थ है। इसलिए क्रिया को उद्देश्य को ध्यान में रखकर जोड़ा जाना चाहिए। एक क्षण जोड़कर मुझे क्या मिल रहा है, इसकी कल्पना करना कोई खिंचाव नहीं है। क्रिया योग का उद्देश्य क्रिया की अवस्था तक पहुंचना है। क्योंकि आप नाव पर चढ़ जाते हैं पार जाने के लिए, नाव पर बैठने के लिए नहीं। इसलिए गुरु से छल कर उन्नत क्रिया न करें। क्रियायोग कोई शौक नहीं है, मन की स्थिति खो जाती है, मन की स्थिति परिस्थिति कहलाती है। अतः उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही साधनों का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा कार्रवाई करना व्यर्थ है। कार्रवाई करने से पूंछ नहीं बढ़ेगी। कार्रवाई क्यों करनी है, यह पहले तय करने के बाद ही कार्रवाई की जानी चाहिए। किसी भी आंतरिक क्रिया को क्रियायोग कहते हैं। ऐसे में एक अंतर योग को क्रियायोग का नाम दिया जाता है। क्रियाओं की दो स्थितियां, जैसे गतिशील क्रिया, स्थिर क्रिया। गतिशील क्रिया विभिन्न चक्रों में या किसी विशेष चक्र में होने वाली क्रिया है। गतिशील क्रिया का उद्देश्य स्थिर स्थिति प्राप्त करना है। तो पहले चक्र दर चक्र घुमाकर हृदय की दुष्ट तरंगों का प्रतिरोध करने के लिए और चेतना को सचेत करने के लिए। तब अनिष्ट तरंग का प्रतिकार किया जाता है, चेतन भूमि प्रशस्त की जाती है, फिर उस चेतन भाव को कूटस्थ स्थिर क्रिया में स्थिर रखना, यह क्रियायोग का हृदय है। तो जो कुछ भी साधन है, इरादा ही कुंजी है। जब तक चेतना अशांत या पतित है, आनंद अच्छा है, लेकिन वैराग्य में बात न आए तो हृदय में स्थापित नहीं होती और कर्म का कोई प्रयोजन नहीं है यदि वह हृदय में स्थापित न हो। केवल थोड़ी सी क्रिया करके यदि यह विषय से संबंधित है, इसे सक्रिय कहा जा सकता है, लेकिन कार्रवाई का उद्देश्य सफल नहीं होता है। बाहर घटे तो भीतर बढ़े और बाहर बढ़े तो भीतर घटे। यदि हृदय घटता है और बाहर बढ़ता है तो मन बिखरा हुआ रहता है, मन की स्थिति प्राप्त नहीं होती। यदि कर्म का उद्देश्य भीतर नहीं है तो बाहर कहाँ है? इसलिए अंतर्मुखी बाह्य स्थिति को अज्ञान या अचेतन अवस्था कहते हैं। इसीलिए क्रिया योग का उद्देश्य हृदय में जागरण करना, हृदय में प्रबल होना है। लेकिन अगर आप उसे किए बिना क्रिया को बदल देते हैं तो वह हृदय में आदत नहीं बन जाती। चूंकि हम हृदय में मौन नहीं रह सकते, जिस हृदय को काम दिया जाता है उसे क्रिया योग कहते हैं। अन्यथा मन के स्तर से क्रिया के नाम पर मन की कल्पना मात्र है। क्रिया योग का उद्देश्य मन को कल्पना से मुक्त करना है। अभ्यानंद एक मृग तृष्णा है, जब तक यह शामिल नहीं है तब तक कल्पना के मन में सुख की इच्छा बनी रहती है। फिर जब वह बात मिल जाती है तो मन की बेचैनी बेचैनी चिंता के सिवा और कुछ नहीं होती। अर्थात जब तक मैं विषय से दूर रहता हूँ तब तक विषय की कल्पना से मोहित रहता हूँ। फिर बात आती है, विषय थोड़ा पुराना हो तो विवाद हो जाता है। इसीलिए संसार के लोग बाहरी चीजों से परेशान रहते हैं। इसलिए क्रिया योग का उद्देश्य हृदय में लौटना और शांति प्राप्त करना है। कार्रवाई का उद्देश्य छवि को ठीक करना है। इसीलिए योग दर्शन में क्रिया योग का उल्लेख मिलता है। जब क्रिया योग द्वारा मन को नियंत्रित किया जाता है तो दृष्टा स्वयं के रूप में स्थित होता है, अथवा विषय वृत्तियों का हो तो मन की वृत्तियां नहीं जाती। दृष्टा न हो तो दृश्य कहाँ? तो अंधी स्थिति में हम दृष्टि में सीमित हैं और हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि अवज्ञाकारी और अस्थिर रहती हैं। तो क्रिया योग का उद्देश्य इंद्रियों, मन, बुद्धि को वश में करना है, अन्यथा कार्रवाई करना व्यर्थ है। योग दर्शन में स्वाध्याय, आप, ईश्वर, प्रणिधान, इन तीन क्रियाओं को क्रिया योग कहते हैं। इन तीन शब्दों के दो प्रकार के अर्थ हैं, बाह्य और आंतरिक।
स्वाध्याय का बाह्य अर्थ शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना है। शास्त्रों के ज्ञान का उद्देश्य मुख्य सिद्धांत को समझना है। शास्त्रों के ज्ञान का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है। शास्त्रों को पढ़ने का उद्देश्य शास्त्रों के ज्ञान के अनुसार स्वयं को सुधारना है, क्योंकि शास्त्र ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। अप्रत्यक्ष ज्ञान या तो आंतरिक क्रिया या साधना के माध्यम से होता है। इसीलिए योगी व लाहिड़ी महाशय ने क्रिया योग को वेद मार्ग कहा, और अंतर स्वाध्याय स्वयं से संबंधित अध्याय है। अर्थात स्व का अर्थ है मैं और अध्याय का अर्थ है ज्ञान, अर्थात स्वयं को जानना ही आत्मग्लानी है। हम बेहोश हैं या बेहोश हैं, इसलिए चेतना के बारे में जागरूकता प्राप्त करना अंतर स्वाध्याय है। चैतन्य वह आत्मा है जो कर्म की अवस्था में प्रकट होती है। तप का अर्थ है अपने भीतर ताप उत्पन्न करना। बाह्य तपस्या का उद्देश्य इंद्रियों का संयम करना है, और भीतर की तपस्या है मन और बुद्धि को वश में करना। इसलिए कर्म द्वारा हृदय में उष्णता उत्पन्न करना ही तपस्या या साधना है। जैसे दो लकड़ियों को आपस में रगड़ने पर अग्नि जलती है, वैसे ही हृदय में श्वास के घर्षण से चेतना का जागरण अपा या तपस्या है, और ईश्वर प्रणिधान है ईश्वरीय स्थिति में होना। योग दर्शन में ईश्वर का अर्थ इच्छा और क्रिया से मुक्त शुद्ध चेतना में रहना है। तो योगी व लाहिड़ी महाशय ने कहा, भगवान आकाश से नहीं उतरेंगे। जीवन की स्थिर स्थिति भगवान की स्थिति को दर्शाती है। इसलिए भगवान की पूजा करने का उद्देश्य धीरे धीरे बाहर से हृदय तक आना चाहिए। तब क्रिया की स्थिति को हृदय में क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। इसलिए योगीव ने कहा, कर्म द्वारा कर्म की स्थिति में होना, यह एक शब्द कहने से ही सब कुछ कहा जाता है। अन्य क्रिया योग विभिन्न चक्रों के माध्यम से चलते हैं, अंत में कूटस्थ में स्थित होते हैं। लेकिन सिद्धाश्रम का कथन क्रिया नीचे की ओर नहीं होनी चाहिए, तब निम्न अनिष्ट तरंगे बनी रहेंगी। इसीलिए सिद्धाश्रम क्रिया योग की शुरुआत कूटस्थ क्रिया से की जाती है। सिद्धाश्रम के क्रिया योग को हंस कहा जाता है। हांग और सांस की गति को संदर्भित करता है। सामान्य सांस छोड़ने में एक अस्पष्ट ध्वनि या हवा की गति होती है, और अंतःश्वसन के दौरान ध्वनि या वायु प्रवाह होता है। अतः हर शब्द का अर्थ है व्याकुलता। इसलिए सांस के साथ हॉन की आवाज जोड़ने से मन की व्याकुलता कम करने में मदद मिलती है, और सांस छोड़ते समय सह के उच्चारण में सांस नीचे जाने की बजाय मुंह से बाहर निकल जाती है। इसलिए सिद्धाश्रम में क्रिया योग में नाक से श्वास लेने और मुंह से सांस छोड़ने के निर्देश हैं, या नाक से सांस लेने और नाक से सांस छोड़ने से सांस का कुछ हिस्सा शरीर के नीचे चला जाता है। इससे नीचे नकारात्मक तरंगों का निर्माण होता है। तो अन्य सभी हंस क्रियाओं में जहां नाक से सांस लेने और नाक से छोड़ने की व्यवस्था है, वही सिद्धाश्रम की हंस क्रिया में नाक से सांस लेने और मुंह से छोड़ने की व्यवस्था की गई है। यहां सिद्धाश्रम के क्रिया योग और दूसरों के क्रिया योग के बीच अंतर है। सिद्धाश्रम के प्रमुख गुरु महर्षि अंगेरा ने सांस की आंतरिक गति की विभिन्न स्थितियों का अवलोकन करके इस क्रिया योग की खोज की। जब हांग और साह को अंतर्मुख किया जाता है तो हंसा ध्वनि उलट जाती है और सोहोंग स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए स्वयं की स्थिति प्राप्त करने के लिए सिद्धाश्रम में हंस क्रिया या क्रिया योग की व्यवस्था की जाती है। सोहंग अवस्था क्रिया की परावस्था कहलाती है। कर्म का उद्देश्य इस अवस्था को प्राप्त करना है।